बीमारी मिली, ज़ैनब सज्जाद को गिरिया आज़ादारी मिली। ज़ैनब सज्जाद को गिरिया आज़ादारी मिली और आके जिंदा में किया आबद ने सजदा शुक्र का। आके जिंदा में किया आबद ने सजदा शुक्र का, सर पर रहना बीबियों को चार दीवारें। सर पर रहना बीबियों को चार दीवारी मिली और है फकत बारह में एक सज्जाद ही ऐसा इमाम, तीरों तलवारों में जिसको रस्म दस्तारी। हम उनके बच्चों के लिए दुआ गो भी हैं जिस मिशन पे उनके वालिद सारी ज़िंदगी रही, हम तवक्को भी रखते हैं और उनकी दुआ भी करते हैं। आज़ादार के बेटे हैं, ज़िंदगी आज़ादारी में बसर करेंगे। वफ़ादार के बेटे हैं, इस जिक्र से इस मिशन से वफ़ादार रहेंगे। और वो पूरे मुल्क के नवाखान थे, किसी अज़ाखाने की उन पर कोई दस्तरस नहीं थी, वो किसी के कब्ज़े में नहीं थे, लेकिन शान हुसैन बहरहाल उनका मरकज था। तो तवील ना हो जाए, मेंबर पे हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, हम उनके बारगाह में भी, चूँकि उनके जद के वो आज़ादार थे, हम सैयदजादे के बारगाह में भी ग़ुलाम अब्बास मातमी की ताज़ियत पेश करते हैं। तो अब मैं इल्तमास करूँगा इंतहाई मोहतरम जनाब क़िबला सैयद अली रज़ा बादशाह से कि वो ज़हमत फरमाएँ, वो तशरीफ़ लाएँ। अलकायम के जनरल सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद रुशद अब्बास जाफरी, अलकायम मातमी संगत के सरदार ग़ुलाम जाफर खोखर साहब, जनाब मलक अकबर अली खोखर साहब, और अलकायम आर्गनाइजेशन के मरकज़ी सदर ओहदे के लिहाज से, लेकिन शान हुसैन के वो खादिम हैं, मौलाना मोहम्मद शरीफ असगर साहब से कि वो तशरीफ़ आए, और ग़ुलाम अब्बास मातमी के फरजंदान खिज़र अब्बास, गुलरेज, तौकीर और सारे बेटे फ़खर अब्बास। ये एक कर्ज था हम पे इस तंजीम का और शान हुसैन के इंतजामिया पे, जो हम अदा करना चाहते हैं। जिसकी नुमाइंदगी अदा करें तो सैयद आमिर जर्रार ज़ैदी साहब जी, उनसे भी इल्तमास है। सैयद आमिर जर्रार जी, बिस्मिल्लाह, तशरीफ लाइए। ओए अग्गो परे हो जा। बुनियाद यार साइड से हो जाए मेरी ज़िंदगानी दी ते तस्कीन हुसैन दियारी ते को वल वल परता हुसैन ज़ैनब ने दस आए को रात को ने
तुझे सारे सैयद एक पास सजाद मंजिल जिन्हों सड़ दिया बल दिया खैमिया विच हो पग प्यो दी पगनी इस पग बनन दे बाद की होया अगला दिल्ली अली दिया दिया देखे सज्जाद पग बनन दे बाद बेहोशान बीबी पुत्र दा मत्था चुम के आखे असूल फरूद सारे कातिल मौजूद खड़ो तिन करते उठ वेख ता सही अग लग गई ऐ वो दूजी वार साहेब को वन शाम वाले